नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ग्राउंड जीरो में आज बात करेंगे भोपाल के टिम्बर व्यापारियों की परेशानी की। बरखेड़ी फाटक से भारत टॉकीज तक फैले टिम्बर व्यापारियों को शिफ्ट किया जाना है, लेकिन प्रशासन ने जो जमीन दी है वहां सुविधाएं नहीं है। ऐसे में व्यापारियों ने शिफ्टिंग शुरू नहीं की है। क्या है ग्राउंड जीरो पर हालात, ये जानेंगे और साथ ही बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां सिटी बसों को फिर से चलाने की मांग हो रही है। यहां कोरोना काल के बाद से सिटी बसें बंद हैं, बस के क्या हालात हैं, ग्राउंड जीरो में ये जानेंगे। साथ ही लोगों की परेशानियों से भी रूबरू होंगे। और इसी के साथ मेरे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, भोपाल से रमाकांत दुबे हैं और कैलाश कश्यप जांजगीर चांपा से हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, भोपाल में जो हो रहा है आज आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो में। भोपाल के टिम्बर व्यापारियों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में बरखेड़ी फाटक से भारत टॉकीज तक फैले टिम्बर व्यापारियों को शिफ्ट किया जाना है। भोपाल में जो ये फाटक है भारत टॉकीज तक, करीब 3 किलोमीटर के एरिया में टिम्बर कारोबार है। इन कारोबार को यहां से 30 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है। कारोबार के लिए जिला प्रशासन ने 98 एकड़ जमीन भी अलॉट कर दी है, लेकिन अलॉट की गई जमीन पर सुविधा नहीं है। सड़क, बिजली और कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर टिम्बर कारोबारी शिफ्ट नहीं होना चाहते। बरखेड़ी फाटक से भारत टॉकीज की एरिया में मेट्रो की अंडरग्राउंड लाइन निकाली जानी है, इस वजह से कारोबार के शिफ्टिंग की योजना बनाई गई। प्रशासन ने आरा मिल मालिकों को 1 महीने में जमीन को खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन आरा मिल मालिकों का कहना है कि यह संभव ही नहीं है। हजारों क्विंटल लकड़ियां और रॉ मटेरियल है जिनको इतना जल्द नहीं यहां से शिफ्ट किया जा सकता। आरा मिल मालिकों ने अलॉट की गई जमीन पर सुविधा के साथ साथ प्रशासन से समय की भी मांग की है। 30 किलोमीटर दूर एक तो अभी आज से 20 से 25 दिन पहले हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उसमें हमने आवेदन दिया था कि जहां हमें शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर जो है मूलभूत सुविधाएं हमें दी जाएं, जैसे बिजली है, पानी है, रोड है। मेन तो सबसे जो है रोड है, वहां जाने के लिए रोड ही नहीं है, क्योंकि 40 से 60 टन की गाड़ी आती है। अब वो बस्ती में से निकल के कैसे जाएगी गाड़ी, तो अभी ये सुविधाएं हुई नहीं है। और कलेक्टर साहब ने हमें समय दिया था कि जब अभी हम महीने दो महीने में यहाँ पर ये सुविधाएं करेंगे फिर आपको इसके बाद शिफ्ट करेंगे। साहब ये तो तकरीबन टाइम तो लगेगा, 1 महीने का जो गवर्नमेंट ने पेपर में कल दिया है कि 1 महीने में शिफ्ट करेंगे, तो ये तो असंभव है। इतना बड़ा कारोबार शिफ्ट करने में टाइम लगेगा। आपको कोई नोटिस दिया गया है क्या 1 महीने से? हमें एक आशीष सिंह के टाइम पे एक नोटिस दिया गया था, लेकिन हमने उसका जवाब दे दिया था कि हम लोग जाने के लिए सहमत है और हमने लिखित में सहमति भी दे दी थी। तो अभी जो 1 महीने की मोहलत वाली बात आ रही है उसमें कुछ नहीं? नहीं, उस 1 महीने में तो असंभव है। देखिए क्या है, आरा मिल के लिए 18 हेक्टेयर जमीन आवंटित हो चुकी है, मेट्रो के द्वारा 6 करोड़ रुपए की धनराशि भी दे दी गई है। अभी जो 30 आरा मिल्स हैं जो मेट्रो जहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू होना है उन लोगों को हम वहां पे एक टेम्परेरी रोड बना के दे रहे हैं, विद्युत व्यवस्था की सप्लाई दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये 3-1 महीने में व्यवस्था करने की है और फिर उनको हम शिफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद में जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो जो शेष है उनको भी शिफ्ट करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के बरखेड़ी से लेकर भोपाल टॉकीज तक के 2 किलोमीटर के एरिया में। यहाँ तकरीबन 120 के आसपास इतने ही बड़े बड़े आरा मिल हैं जिन्हें 1 महीने में यहाँ से शिफ्ट करने की मोहलत दी गई है, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हजारों क्विंटल लकड़ी और कई आरा मिल यहाँ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन की मोहलत के मुताबिक 1 महीने में शिफ्टिंग लगभग इम्पॉसिबल है। प्रशासन ने इन लोगों को जहाँ जमीन दी है वो यहाँ से 30 किलोमीटर करीब दूर पड़ती है और ये लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इतने बड़े कारोबार को तय समय से पहले वहाँ कैसे शिफ्ट किया जाएगा? प्रशासन 1 महीने की मोहलत दे रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कम से कम 2 साल यहाँ से शिफ्टिंग के लिए लग जाएंगे और इससे पहले शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है जिसकी अंडरग्राउंड लाइन यहाँ से निकालनी जानी है वो और डिले होने की पूरी संभावना है।
और रमाकांत दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, आपने वहां पर बात भी की है, तमाम जितने भी कारोबारी हैं उनसे आपने जब बातचीत की तो उनका यही कहना था कि इतनी जल्दी संभव ही नहीं है कि हम शिफ्ट हो जाएं, और जहां शिफ्ट होना है वहां व्यवस्थाओं का अभाव है। बातचीत कीजिए उनसे और बताइए कि क्या कितना समय वो मांगना चाह रहे हैं या क्या परेशानियां उनकी हैं। जी अंशिका, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं और वो कितना समय इस कारोबार की शिफ्टिंग के लिए चाहते हैं। देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। जैसे अभी जहाँ शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पर ना तो अभी रोड है, ना बिजली है, ना पानी की सुविधा है, ना लेबर के जाने की कोई सुविधा है, इसलिए ये सब समस्याएँ आई हैं। अभी अगर सरकार इन सुविधाओं को हमारी उचित कर दे तो हम जाने को तैयार हैं, और अभी तक हमने कोई इनकार नहीं किया है। तो टाइम तो इसमें बहुत लगेगा। देखिए, 108 आरा मशीन है, 108 आरा मशीनों को शिफ्ट करने में करीब 8 से 10 महीने लगेंगे। तो 8 से 10 महीने के लिए जो है समय दें। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमें ना कोई नोटिस जारी किया गया। जिस तरह से पेपर में आ रहा है कि 1 महीने में हटा देंगे, अभी हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं। आपको जो ज़मीन वहाँ अलॉट की गई है बिशनखेड़ी में मेन रोड के पास, तो वहाँ अभी मौजूदा क्या स्थिति है? परवलिया में की गई है, वहाँ नहीं की गई। अभी वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। बाहर जो रोड है कम से कम उसको 100 फीट चौड़ा रोड चाहिए हमें, क्योंकि ट्राले आएंगे उसके लिए। उसके अलावा वहाँ प्लाटिंग रोड, बिजली, फायर ब्रिगेड या अभी कुछ भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चालू भी करती है काम को अक्टूबर में, तो कम से कम 6-8 महीने उसमें लगेंगे। फिर हम लोग को शिफ्ट में टाइम लगा, कम से कम 1 वर्ष निकल जाएगा। देखिए, आरा मिल के लिए सबसे पहली ज़रूरत है बिजली। क्या वहाँ जो है उतना बड़ा पावर प्लांट है कि आपको बिजली सप्लाई हो सके जाने पर? नहीं है, वहाँ पर पूरा इंतजाम करना पड़ेगा, पूरा बिजली का पूरा पावर प्लांट लगाना पड़ेगा अलग से मशीनों के लिए, जब हो पाएगा ना। वहाँ पर पानी की कुछ व्यवस्था है, तो ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट को कर दे, हम लोग जाने को तैयार हैं। देखिए, इनका कहना है कि ये लोग जानने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो सुविधाएं दे तब। लेकिन अभी वहां इनका ये कहना है कि हमें सुविधाएं भी चाहिए, समय भी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी कि जिस मेट्रो लाइन की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी उसके वजह से इस पूरे मार्केट को खाली कराया जा रहा है और शिफ्ट कराया जा रहा है, उन्हें जगह भी दी गई है। मेट्रो का कार्य कब से शुरू होने वाला है, क्या जानकारी उसको लेकर, और क्या इन्हें समय दिया जा भी सकता है, कोई कुछ ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए अंशिका, यहाँ से मेट्रो की अंडरग्राउंड लाइन निकल रही है और उसके लिए सर्वे हो चुका है और काम भी लगभग शुरुआत हो चुकी है उसकी। मेट्रो के अधिकारियों ने कल ही यहाँ आकर जो है सर्वे किया और ड्रिलिंग भी शुरू कर दी है। ऐसे में इनका कहना है कि इतने कम समय में तो शिफ्टिंग असंभव है, और अगर प्रशासन समय देता है तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, और यही है कि जितने भी कारोबारी हैं लगभग, क्योंकि 3 किलोमीटर में जैसा कि हम देख सकते हैं, लेकिन आप तस्वीर भी दिखा सकते हैं एक बार रमाकांत, जो ये पूरा टिम्बर का काम जो यहाँ पर होता है, क्योंकि वो 3 किलोमीटर के एरिया में कारोबार है इसका पूरा, और वाकई में इतने सारे कारोबारी हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक बार में तुरंत से शिफ्टिंग करना। कोई ऐसा रोडमैप तैयार किया है कारोबारियों ने कि आधा आधा करके ये लोग शिफ्ट करेंगे? देखिए, हमारी इस बारे में जो है कलेक्टर साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 30-30 दुकानों को करके शिफ्ट करेंगे, और 30 दुकानों को उन्होंने नोटिस भी दिया है, और उनके लिए वहाँ 30 KV का एक पावर हाउस भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो मोहलत दी गई है 1 महीने की, उतने में मूलभूत सुविधाएं वहाँ तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि वो जमीन अभी खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए, सड़क मार्ग भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमाकांत जानकारी साझा करने के लिए, लोगों से बातचीत के लिए। और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां कोरोना काल के बाद से ही सिटी बसों का संचालन बंद है। देखरेख ना होने से करोड़ों की लागत से खरीदी गई सिटी बसें कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, खराब हो चुकी है। बस को नैला बस स्टैंड पर रखा गया है। इस दौरान कल पुर्जों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सिटी बसों से ना चलने से लोग परेशान हो गए हैं। आम लोगों का कहना है कि ऑटो वाले उनसे मनमाना किराया लेते हैं और आने जाने में भी परेशानी होती है। नगर पालिका का कहना है कि बसें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। सिटी बसों के फिर से संचालन के लिए शासन स्तर पर बात रखी जाएगी।
तो सबकी अपनी बातें हैं, लेकिन बस की हालत देखिए। के टाइम से सिटी बस मेरी जानकारी में बंद पड़ा हुआ है और वाहन भी जर्जर हो गए हैं। अब आगामी शासन को अवगत कराया जाएगा इसके बारे में और शीघ्र ही प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। एज ए स्टूडेंट यहाँ पे सिटी बस नहीं चलता है, तो कॉलेज आने जाने के लिए लोकल जहांगीर में भी अगर कुछ काम हो तो प्राइवेट बसेस से आना पड़ता है, और प्राइवेट बस का किराया इतना ज़्यादा होता है कि एज ए स्टूडेंट हमारे पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती जितना कि सारा पैसा हमारे किराए में चला जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि सिटी बस संचालित हो शहर में, ताकि मेरे को ही नहीं, एज ए स्टूडेंट मुझे ही नहीं, बाकी सबको भी सुविधा का लाभ हो सके। इस वक्त हम मौजूद हैं नैला स्थित बस स्टैंड पर, जहां पे सिटी बस कबाड़ में पूरी तरह से तब्दील हो गया है, जर्जर हो गया है। लोगों को अब सिटी बस की सख्त आवश्यकता महसूस हो रही है और जो प्राइवेट बसें हैं उनकी मनमानी चरम पर है, साथ में उनको बड़े रकम को लेकर राहगीर और यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं इस सिटी बस में जो कबाड़ कल पुर्जे जो है पूरी तरह से निकल गया है, आग के हवाले कर दिया गया है सामाजिक तत्व के द्वारा। नगर पालिका की उदासीनता साफ दिखती जाती है। तत्कालीन कलेक्टर रहे ओपी चौधरी के निर्देशन पर यह सिटी बस शहर को सौगात के रूप में मिला था, लेकिन वहां अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। साथ में लोगों के लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है, जब यात्री बसों का घंटों भर इंतजार करते हैं, तय समय पर बस प्राइवेट नहीं आती, बस स्टॉप में जो है बस रुकती नहीं है, तो यात्री काफी भटकते रहते हैं और ऑटो और अन्य साधन के वजह से उन लोग भटकते रहते हैं। जांजगीर चांपा से कैलाश कश्यप मेरे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, तमाम ऐसी सिटी बसें हैं जो कि खराब पड़ी हैं, आधे से ज्यादा तो ऐसे सिटी बसेस भी हैं जिनके पार्ट्स चोरों ने चोरी कर लिए हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है। आम जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। तस्वीर अगर आप दिखा सकते तो दिखाइए, सिटी बसेस का क्या हाल है, लोगों का क्या कहना है वहां पर। अंशिका जी, मैं बता दूं, ये बड़ी विडंबना है। जांजगीर चांपा में करोड़ों रुपए का सिटी बस का सौगात दिया गया था, जो अभी असामाजिक तत्वों के द्वारा कल पुर्जे निकाल लिए गए हैं, कुछ बस को आग के हवाले कर दिए गए हैं, ये बड़ी विडंबना है। और वो पी चौधरी जो अभी वर्तमान में जिले के प्रभारी मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में, वो कलेक्टर रहे, उनके समय पर सौगात मिले और निश्चित रूप से लोगों को काफी उम्मीद है कि प्रभारी मंत्री होने के नाते पुनः सिटी बस की संचालन हो और लोग